हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एम ए प्रीवियस संगीत का यूनिट फर्स्ट लेंगे। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक 3 है, श्रुति स्वर तथा स्केल पर भरत शारंगदेव, ओहोबल, पंडित भातखंडे, पंडित ओकारनाथ ठाकुर और ललित किशोर सिंह के विचार। श्रुति स्वर स्केल पर इन संगीतज्ञों ने अपने क्या विचार दिए हैं, उनकी स्टडी हम करेंगे। पहले हम श्रुति लेंगे। संगीत पारिजात के अनुसार जो सुनी जाए वही श्रुति है। श्रुति अर्थात जो सुनाई दे। हम अनेक ध्वनियाँ सुनते हैं, इनमें कई ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो रंजक नहीं होती हैं। ऐसी ध्वनियाँ संगीत के उपयोग में नहीं आती, अतः संगीत में केवल मधुर, रंजक तथा स्पष्ट ध्वनियाँ ही ली जाती हैं। श्रुति स्वरों की क्रमिक उच्चता का माप श्रुति स्वरों की क्रमिक उच्चता का माप है। नाद के स्थान में अनेक नाद होते हैं, उनमें से जो स्पष्ट हों तथा सुने जा सके वह श्रुतियाँ कहलाती हैं। ध्वनियाँ अनेक हैं पर संगीत में केवल 22 ध्वनियों को ही लिया गया है। सभी विद्वानों ने 22 श्रुतियाँ मानी हैं। केवल कोहल ने अपने ग्रंथ कोहलम में 66 श्रुतियों की चर्चा की है। मंद्र, मध्य व तार, इन तीनों सप्तकों में श्रुतियों की संख्या कुल 22 × 3 बराबर है 66 हो जाती हैं। भरत ने स्वर पर विवेचन प्रथम किया है, श्रुति बाद में, अर्थात स्वर की विवेचना उन्होंने पहले की है और श्रुति की बाद में। उन्होंने अपने ग्रंथ में 7 स्वरों के नामों का उल्लेख किया है और तत्पश्चात उन स्वरों की श्रुतियों का वर्णन किया है। 22 श्रुतियों को मुख्य 7 स्वरों में बांटा गया है, जिसे सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। इस विभाजन के लिए एक नियम प्राचीन काल से चला आ रहा है। सरज, मध्यम तथा पंचम की 4-4 श्रुतियों वाले श्रुतियाँ, गंधानिषाद की 2-2 श्रुतियाँ तथा ऋषभ व धैवत 3-3 श्रुतियों वाले स्वर हैं। भारतीय संगीत आज भी इस प्राचीन नियम को मान्यता प्रदान करता है, परंतु आज के शुद्ध व विकृत स्वर उन पुराने ग्रंथकारों के स्वरों से भिन्न हो गए हैं। प्राचीन विद्वानों ने अपने प्रत्येक शुद्ध स्वर को अंतिम श्रुति पर रखा था, अर्थात उनके शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध नि ये 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 श्रुतियों पर रखे जाते थे। आधुनिक भारतीय संगीतज्ञ अपने शुद्ध स्वर 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21 इन श्रुतियों पर रखते हैं। भरत ने श्रुति के प्रमाण की चर्चा की है, अर्थात श्रुति कितनी बड़ी है। भरत ने प्रमाण श्रुति के विषय में कहा है कि षड्ज ग्राम में पंचम स्वर 17वीं श्रुति पर तथा मध्यम ग्राम में 16वीं श्रुति पर स्थापित है, अतः दोनों ग्रामों के पंचम स्वर का अंतर 17 − 16 = 1 श्रुति का है। दोनों ध्वनियों में जो अंतर है वही प्रमाण श्रुति है। श्रुति की 5 जातियाँ हैं। पहली है दीप्ता, दूसरी आयता, तीसरी मृदु, चौथा मध्या और 5वीं है करुणा। इनके रस इस प्रकार हैं, दीप्ता के वीर, रौद्र और अद्भुत रस, आयता के का हास्य रस, मृदु का श्रृंगार और हास्य रस, करुणा का करुण, विवश और भयानक रस,
अर्थात श्रुतियाँ सूक्ष्म स्वर ही हैं। श्रु सुन यानी सुनना, अतः श्रुयतो इति श्रुतः है। कानों को स्पष्ट सुनाई देने वाला रंजक सूक्ष्म नाद ही श्रुति है। अब हम देखेंगे स्वर क्या हैं। ध्वनियाँ अनंत मानी गई हैं, पर सभी ध्वनियों को स्वर नहीं कहा जा सकता। स्वर शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से तीन संदर्भों में हुआ है, पहला व्याकरण में, दूसरा वैदिक परंपरा में, तीसरा गांधर्व में। व्याकरण के अनुसार व्याकरण में स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वर के अनुसार स्वयं प्रकाशित होने वाले अकारादि यानी अ आ आदि स्वर कहलाए। दूसरा है वैदिक परंपरा में उद्दात अनुदात स्वरित ये तीनों संज्ञाएं प्रयुक्त हुई। तीसरा गंधर्व परंपरा में षड्ज आदि सात स्वरों के लिए निश्चित मान के साथ साथ स्वयं रंजकता भी सम्मिलित हुई। संगीत का मौलिक उपकरण या मूलाधार स्वर है जो आहत नाद से उत्पन्न होता है। संगीत चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य स्वर पर आधारित होता है। पाश्चात्य संगीत में स्वर को नोट कहते हैं। स्वर के विभिन्न समुदायों से संगीत का निर्माण होता है। स्वर वह नाद है जो रंजक हो और जिसका अन्य नादों के बीच विशिष्ट स्थान हो। केवल नाद के रंजक होने से वह नाद स्वर नहीं बन जाता। स्वर कहलाने के लिए उसका अन्य नादों या ध्वनियों से कोई संबंध होना अनिवार्य है। कोई ध्वनि ऋषभ, गंधार या मध्यम जब कहलाएगी, जब षड्ज की सत्ता हमारे मन में स्थिर हो जाए। भारतीय संगीत में जिस प्रकार षड्ज स्वर को मूलभूत स्वर माना जाता है, उसी प्रकार पाश्चात्य संगीत में षड्ज को टोनिक कहा जाता है और उसे सी का नाम दिया गया है। पियानो तथा हारमोनियम की पहली सफ़ेद पट्टी ही उनका सी या षड्ज है, परंतु भारतीय संगीत में संगीतकार की सुविधा अनुसार षड्ज स्वर को निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसको सबसे पहले स्थिर करना जरूरी है और वे बिना कहे अपने आप ही कायम हो भी जाता है। इसी के आधार पर हम श्लोक कहते हैं, गीत गाते हैं, धुन बजाते हैं और नृत्य के घुंघरू भी संवारते हैं। इसी स्वर को स्थाई या स्थिर रहने वाला स्वर कहते हैं और आधुनिक परिभाषा में इसे षड्ज कहा जाता है। षड्ज नाम से ही स्पष्ट है कि इसका संबंध सप्तक के अन्य छह स्वरों से बराबर बना रहता है। इसको एक दृष्टि से सात स्वरों का जनक तथा छह स्वरों का जनन्य कहा जाता है। जनक इस रूप में किसी ध्वनि को षड्ज के रूप में स्थिर किए जाने पर शेष स्वरों की कल्पना की जा सकती है। और जन्य इस रूप में कि अन्य स्वरों से विशिष्ट संबंध के कारण ही वह षड्ज कहलाने योग्य होता है। षड्ज अथवा स्थाई स्वर की कल्पना अंतराल में नहीं की जा सकती है। रे, ग, ध आदि स्वर न होते तो षड्ज की कल्पना ही असंभव है। पाश्चात्य संगीत में भी टोनिक स्वर सी है। इससे मिलने जुलने वाले स्वर सी हो सकते हैं। अन्य स्वर इसी से संबंधित होकर डी यानी रे, ई यानी ग आदि नाम पाते हैं। एक विशिष्ट आंदोलन संख्या वाला स्वर ही उनका षड्ज, मध्यम, पंचम आदि हो सकता है।
इसीलिए अनेक संगीत में सी डी ई आदि स्वरों को स्थिर मानकर उसी के अनुसार भिन्न भिन्न उच्च निचता वाले वाद्यों का निर्माण किया जाता है। भारतीय संगीत के स्वर की ऊंच निचता स्थिर और अपरिवर्तनीय ऊंच निचता स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं है। यहाँ संगीतकार के स्वरानुसार सुविधानुसार सरस स्वर को निर्धारित किया जाता है और उसी के अनुपात से अन्य स्वरों का निर्माण होता है। प्राचीन संगीताचार्यों ने इस तथ्य को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। सरस के रूप में जो ध्वनि कल्पना से स्थिर की जाती है वही शुद्ध सप्तक का मूलभूत स्वर होता है और उसी के अनुसार शेष स्वरों का निर्माण किया जाता है। स्वर श्रुतियों से बनते हैं। श्रुति सूक्ष्मतम ध्वनि है जिन्हें पाश्चात्य संगीत में माइनर टोन कहते हैं। प्रत्येक स्वर के बनने में सूक्ष्मतम ध्वनियों का बड़ा महत्व है। स्वरों की गूंज या अनुरंजन के लिए श्रुतियों का होना आवश्यक है। श्रुति स्वयं रंजक नहीं होती परंतु स्वर को रंजक बनाने में सहायक होती है। श्रुति तरल होती है और स्वर स्थिर होते हैं। कुछ रागों में आरोह करते समय कुछ स्वर अपने वास्तविक स्थान से उच्चड़े हुए सुनाई देते हैं और अवरोह में उतरे हुए सुनाई देते हैं। इसका तात्पर्य उन स्वरों की श्रुतियों की तरलता से है। गमक एवं स्वर संगीत जैसी क्रियाओं से यह तरलता स्पष्ट हो जाती है। गायन की अपेक्षा वाद्यों में इस तरलता का स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे राग भीम पलाशी अड़ाना आदि रागों में आरोह में कोमल नी की गति तार षड्ज की ओर होती है और अवरोह में वही निषाद उतरा हुआ सुनाई देता है। श्रुतियाँ जब एक स्थान पर स्थिर हो जाती हैं तो स्वर बन जाती हैं। श्रुति में स्वतंत्र रूप से रंजकता आवश्यक नहीं है और इसीलिए श्रुतियाँ व्यर्थ या निरर्थक मानी जाती हैं श्रुतियाँ असंख्य होती हैं परंतु संगीत की आवश्यकता के लिए केवल 22 श्रुतियाँ ही मानी गई हैं। श्रुति स्वर से अलग होकर सुनी नहीं जा सकती। उसका स्वर के साथ अभिन्न संबंध होता है और वे किसी स्वर के संबंध में ही सुनी जा सकती है। उदाहरण के लिए सा की 4 श्रुतियाँ परंपरा से मानी गई हैं परंतु उसकी चारों श्रुतियों को अलग अलग दिखाने की बात की जाए तो सर्वथा असंभव है। आचार्य भरत या पंडित शारंगदेव ने श्रुति दर्शन या सारणा की अवस्था बताई है वह केवल ये दिखाने के लिए कि श्रुति स्वर की सूक्ष्मतम उपादान है और ऐसी ध्वनियाँ एक सप्तक में 22 ही हो सकती हैं। सप्तक में 7 स्वरों का समावेश होता है। स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध और एवं विकृत। शुद्ध स्वर अपने मूल स्थान से नीचे या ऊपर की दिशा में हटकर विकृत होते हैं। भारतीय संगीत में सापा सदैव अचल या अविकृत रहते हैं, अर्थात इन स्वरों के 2 रूप नहीं हैं। विकृत स्वरों की स्थिति तथा नामकरण के संबंध में प्रचलित हिंदुस्तानी तथा दक्षिणा संगीत पद्धति में पृथक दृष्टिकोण पाया जाता है जो मध्ययुग से चलता आया है। प्रचलित उत्तरी संगीत में स्वर की विकृत अवस्था प्राय शुद्ध से पहले मानी जाती है, तब उसके बाद विकृत स्वरों की श्रुति संख्या के आधार पर नाम दिया जाता है। जैसे विकृत रे को चतुर्श्रुति के अक्षर श्रुति ध कहते हैं, विकृत ग को साधारण ग या अंतर ग और विकृत नी को केशिक नी और काकली निषाद कहते हैं। दक्षिणी संगीत में स्वरों की शुद्ध अवस्था कम श्रुतियों वाली अर्थात नीची होती है और विकृत अवस्था अधिक श्रुतियों वाली अर्थात ऊंची होती है। इसके विपरीत उत्तर भारतीय संगीत में स्वर की विकृत अवस्था
प्राय कम श्रुतियों वाली और शुद्ध अवस्था अधिक श्रुतियों वाली होती है। स्टूडेंट्स, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक करके पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं।